सीताबर्डी पुलिस थाने की हद में नागपुर रेलवे स्टेशन परिसर में फिरियादी मोहम्मद शाकिब मोहम्मद शब्बीर की छोटी सी खाने की दुकान है, जहां 8 मई की रात फिरियादी की दुकान के पास कुछ अज्ञात बदमाश आए और तोड़फोड़ करने लगे। वही अगर परिसर में दुकान लगानी है तो बदमाशों को हफ्ता देने की बात भी की गई। इसी बात को लेकर फिरियादी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। संबंधित मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खंडनी का गुना दाखिल हुआ था। मोहन नगर का एक रहने वाला फिरियादी है, वो अपनी छोटी खाने की दुकान रेलवे स्टेशन के सामने चलाता है और वहाँ पर कुछ लोग आए रात को 8 बजे और उन्होंने उनको मारपीट किया और कुछ दुकान का सामान फेंक फाक किया। यहाँ दुकान लगाना है तो हमको खंडनी देना पड़ेगा और उन्होंने फिर उसको धमकी दिया कि नहीं देंगे तो यहाँ दुकान नहीं लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपराध दर्ज किया गया और आरोपी का कोई क्ल्यू नहीं था। वो गोपनीय जानकारी के आधार पर हमारी टीम PSI विनोद तिवारी, संतोष कदम और बाकी स्टाफ है गणेश, सुशांत, आत्माराम और कोशी विक्रम सिंह ठाकुर, इन्होंने उसमें गोपनीय आधार पर जानकारी निकाली कि आरोपी घुड़केश्वर और उसके बाद में मानेवाड़ा और ये बारसिंगल बोरकर नगर के रहने वाले हैं। उसके बाद में उनसे उन मालूमात निकाल कर उनको ताबे में लिया गया और उनको अटक करके कल कोर्ट में भेजा गया। ये पूरी कार्रवाई माननीय वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने की है और उनको अरेस्ट करके कोर्ट में जांच किए। इन आरोपियों पर इसमें से जो 2 आरोपी है, चेतन प्रमोद गोखले घुड़केश्वर का रहने वाला, इसके ऊपर ये पुराने अपराध है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, और ये सोमनाथ उर्फ बाड़ू जाधव ये मानेवाड़ा का रहने वाला, ये भी एक संगीन अपराध इसके ऊपर दर्ज है। इसको तड़ी पार किया गया था कुछ दिनों पहले, तो उनको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया है। आगे की जांच जारी है। बाद में पता चला है कि फिरियादी के लड़के के ये आरोपी पहचान के है और खंडनी मांगना उनका ये उद्देश्य था।